मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अगली लिस्ट पर मंथन कर रहे हैं, जबकि अखिलेश और उनके नेता सोशल मीडिया पर बीजेपी को 80 सीटों पर हराने का दावा। अखिलेश के चाचा रामगोपाल मीडिया के सामने भी आए तो उनका गणित 40 सीटों पर अटक गया। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सर्वे वाली 7 सीटों पर बीजेपी पिछली बार बड़े मार्जिन से जीती थी। यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट बताने वाली ये रिपोर्ट। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर उठ रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। योगी आदित्यनाथ का टारगेट 80 सीटों पर जीत का है और अखिलेश यादव का फोकस बीजेपी की हार पर। सवाल ये कि समाजवादी पार्टी का अपनी जीत के बजाय बीजेपी की हार का राग क्यों अलाप रही है? क्या बैक टू बैक मिली हार दिमाग में इतना घर कर गई कि जीत दूर की कौड़ी नजर आ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 80 सीटों पर हराएंगे। शिवपाल यादव बीजेपी को सभी सीटों पर हराने की अपील कर रहे हैं। रामगोपाल यादव का दावा कि इस बार बीजेपी 40 सीटें हार जाएगी। जनता पार्टी तो अभी प्रत्याशी भी नहीं दे पाई, बहुत से जितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 जीत। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम। जो समाजवादी पार्टी पिछले 2 चुनावों में 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, उसके लिए 80 सीटें जीतना असंभव सा है और इसलिए अखिलेश और शिवपाल के दावों की हवा पहले ही निकलती नजर आ रही है। अब बचा रामगोपाल यादव का दावा, जहां पर वो 40 सीटों पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। वो गणित क्या है उसकी रियलिटी समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में एनडीए जिन 16 सीटों पर यूपी में हारी, वहां रामगोपाल 24 के चुनाव में बीजेपी से कोई चैलेंज नहीं मानते। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 24 सीटें ऐसी भी उन्होंने कैलकुलेशन में जोड़ ली जहां बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। इन सीटों में बलिया है, लालगंज है, मछली शहर है, जौनपुर है, अंबेडकर नगर, इटावा, बस्ती और पीलीभीत, सुल्तानपुर, उन्नाव, कौशाम्बी, फूलपुर और प्रयागराज सीट पर भी रामगोपाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उसके अलावा सोनभद्र, भदोही, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज और सहारनपुर भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा संत कबीर नगर, कुशीनगर, फरुखाबाद और मोहनलालगंज सीट का नाम भी इसमें शामिल है। इन 24 सीटों में से बदायूं, कन्नौज और फिरोजाबाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पर बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने ये तीनों सीटें अपने खाते में जोड़ ली। इसके अलावा आजमगढ़ और रामपुर में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने अखिलेश की पार्टी को बुरी तरह हराया। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कुल जमा 3 सीटें बची हैं और ख्वाब 40 सीटों पर बीजेपी को हराने का देख रहे हैं। 2022 का भी परिणाम आपके सामने है, जहां वो 400 से ज्यादा विधानसभा जीत रहे थे और अब यहां 40 सीट जीत रहे हैं। कहीं खाता होता नहीं बचेगा और ना ही खुलेगा। मेहनत करें लोग, जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों के लिए कौन कितना दमखम लगा रहा है, पहले फैक्ट समझिए तो पता चलेगा कि असल में किसके दावे हवा हवाई हैं। सीएम योगी पिछले 1 महीने के दौरान 50 से ज्यादा जिलों में सभाएं और कार्यक्रम कर चुके हैं। उनका फोकस है सबसे ज्यादा उन सीटों पर जहां बीजेपी या तो पिछला इलेक्शन हार गई या फिर टफ फाइट मिली। जबकि अखिलेश यादव इन 30 दिनों में 10 से ज्यादा जिलों में नहीं गए, उनमें भी ज्यादातर शादी समारोह में शामिल हुए। 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का दम भरने वाले शिवपाल यादव जिस बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं, वहां वो वोट मांगने के लिए 22 दिनों के बाद पहुंचे। ऐसे में सवाल ये, अगर वोटर से ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं तो क्या बंद कमरे में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी को हराने का फॉर्मूला निकाल लेंगे? भारतीय जनता पार्टी
हर पराजित सीट पर हमने पहले से प्रयास किए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हुए हैं, पार्टी ने विशेष योजना बनाई है और हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ने का जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस आह्वान के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 80 के 80 सीटें उसी तरह से जैसे राजस्थान में जीतते हैं, जैसे गुजरात में जीतते हैं, जैसे हिमाचल में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, ऐसा ही उत्तर प्रदेश भी चाहता है इस बार कि 80 के 80 सीटें इस बार प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ी जाएं ताकि जो मिशन 400 पार का नारा है उसको हम पूरा कर सकें। 17 सीटें हमने कांग्रेस को दी है और एक सीट हमने तृणमूल कांग्रेस की दी है। हमें लगता है कि हम किसी भी तरीके से अगर हम कहीं कुछ सीटें रह भी जाते हैं हमारा स्कोर 40 प्लस के ऊपर होना ही होना है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। कोई अप्रत्याशित चीज़ें आए वो एक अलग बात है, लेकिन देश का मूड ऐसा है कि हम 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सवाल उनके पास में है जो 10 साल से सत्ता में है, उनको जवाब देना है। समाजवादी पार्टी जिन 24 सीटों पर नेक टू नेक फाइट बता रही है, उनका 24 में रिजल्ट क्या रहने वाला है उसे पिछले दो लोकसभा चुनावों से समझ सकते हैं। इटावा सीट बीजेपी ने 2014 में 10% के मार्जिन से जीती और 2019 में 6.26% से इस पर फतेह हासिल की। इसी तरह पीलीभीत सीट पर 2014 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 18% था और 2019 में यहाँ बीजेपी ने 22% के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्नाव सीट को देखें तो 23.3% वोटों से 2014 में जीत ली और 2019 में बीजेपी की जीत का फर्क 32.4% हो गया। फूलपुर सीट पर बीजेपी 2014 में 16.1% तो 2019 में 17.5% वोटों से जीत हासिल कर चुकी है। ऐसा ही रिजल्ट प्रयागराज में रहा। 2014 में बीजेपी ने इसे 3.7% वोटों से जीता तो 2019 में अंतर बढ़कर 20.7% पहुंच गया। कुशीनगर का नतीजा ऐसा ही रहा। 2014 में बीजेपी की जीत 5% वोटों से हुई तो 2019 में 32% के बड़े अंतर से। फरुखाबाद सीट पर भी बीजेपी 9.3% वोटों के मार्जिन से 2014 में जीती तो 2019 में इसे बढ़ाकर 22% कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह कि इनमें से कुछ सीटें ऐसी जहां समाजवादी पार्टी 2014 में तीसरे और चौथे नंबर पर थी, जबकि इन 24 में से 4 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। यहां समाजवादी पार्टी को अपने जीत के चांस कम लग रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये दावा जमीनी कम हवा हवाई ज्यादा लग रहा है। ऊपर से पार्टी के बड़े नेता इलेक्शन से पहले ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए, भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। अगर कोई पार्टी बड़ी जीत का दावा करती है तो उसके पीछे चेहरा और परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। समाजवादी पार्टी दोनों ही मामलों में पिछले दो चुनावों में बहुत पीछे रही। 2009 में उसे 23.3% वोट मिले तो 2014 में घटकर 22.3% रह गए। 2019 में समाजवादी पार्टी की वोटों का आंकड़ा 18.1% पर आ पहुंचा, जबकि इसके उलट बीजेपी की सीटें भी बढ़ी और वोट परसेंटेज भी। 2014 के इलेक्शन में यूपी की 17 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किया, जबकि 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 40 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट पाए। इनमें से रामगोपाल यादव के दावे वाली 7 सीटें भी शामिल हैं। अब बाकी कसर योगी 24 के इलेक्शन में पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक्टिव है, बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, तो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए चुनाव समिति के साथ मंथन भी कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं। यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए टिकट बंटवारा बहुत मायने रखता है। बीजेपी के कैलकुलेशन और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे में इस बात का बहुत बड़ा फर्क है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 24 के चुनाव में 74 सीटों पर खुद लड़ने वाली है, जिनमें से 51 पर कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, 2 अपना दल, 2 आरएलडी, जबकि बाकी 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी और 1-1 सीट निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए। जबकि इसके उलट समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर खुद लड़ रही है और यूपी की 17 सीटें उसने कांग्रेस को दे रखी है। जिस कांग्रेस ने 14 के चुनाव में यूपी की 2
और 19 के चुनाव में एक सीट जीती हो, क्या वो इस बार आगे बढ़ पाएगी और अखिलेश के बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराने का फॉर्मूला काम कर पाएगा, इस पर बहुत बड़ा संशय है और यही गणित योगी को धांसू और अखिलेश को वीक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।